वेलकम करते हैं आप सभी का नॉलेज एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सैयद बाबर अली और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन का टॉपिक। तो फंक्शन में लास्ट टाइम एक वीडियो बना चुके हैं फंक्शन पे ऑलरेडी, उसको हम रिवाइज करने वाले नहीं है, लेकिन एक बार उसका थोड़ा सा टच ज़रूर लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है फंक्शन जो है बिल्डिंग ब्लॉक फंडामेंटल एलिमेंट्स है। तो अब जो हम जो कोडिंग की बात करेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए कोई भी नया टॉपिक पढ़े तो या कोई सा भी टॉपिक हो, उसको आपका सेंटेक्स पता होना चाहिए। सेंटेक्स क्या है, यानी कि इसको लिखा किस तरीके से जाता है आम अल्फाज में बोले। तो मुझे FUNC लिखने के बाद ही मुझे फंक्शन मिल जाता है और ये फंक्शन स्टेटमेंट को मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये फंक्शन का सेंटेक्स मिल गया है मुझे। ठीक है, ये जो मेरे पास ये पूरी बॉडी दिख रही है, आई थिंक जूम कर लेता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मुझे फंक्शन का सेंटेक्स मिल गया, फंक्शन होना चाहिए सबसे पहले नंबर वन रूल। नंबर टू रूल जो कहता है कोई भी नाम हो, ये हमारी पसंद का हो, ये हमारी मर्जी है। नंबर थ्री रूल, पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर देंगे। पैरामीटर के अंदर क्या होगा, पैरामीटर के अंदर जो भी नाम यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं वो अपनी पसंद का लिख सकते हैं, और जो डेटा टाइप की हमारी रिस्ट्रिक्शन है, डेटा टाइप की जो लिमिटेशन है, वो टाइप आपको यूज़ करनी होगी, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और जो भी एक्स वाई जेड डेटा टाइप है। और फोर्थ रूल हम इस कह सकते हैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है या जो भी हमें चाहिए वो हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख लेंगे, वो कंडीशन के साथ चेंज होता रहेगा, लेकिन फंक्शन का सिंटेक्स ये है बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने सिंटेक्स तो देख ही लिया था शुरू में, जो हमने फंक्शन बनाया था हाफ फ्राई एग की, याद होगा आपको स्लाइड्स में भी दिया हुआ था। अब थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ आएंगे, हम फंक्शन को देखेंगे, रिटर्निंग फंक्शन वगैरह के जो एक कॉन्सेप्ट को मज़ीद अपने बेहतर बनाएंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करने वाले, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे किसकी, रिटर्न फंक्शन देखेंगे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रायंगल की, एरिया कैलकुलेट करने का। अगर मैं आपको बोलूँ ओके एरिया आपको कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप क्या करेंगे? तो आपने ये बॉडी ली हुई है, आप यहाँ पे लिख देंगे फ़ौरन ही धड़ धड़ करके, आप बोलेंगे इसको मैं एरिया कह देता हूँ, और एरिया के अंदर मेरे पास पैरामीटर क्या होंगे, विथ और हाइट। विथ, तो आप पैरामीटर को लिख हटा के बोल लेंगे ये मेरे पास विथ हो जाएगी, और विथ जो है हमें हमेशा टाइप क्या होगी, डेटा टाइप क्या है विथ की, विथ की डेटा टाइप हमें पता है हमारे पास विथ की डेटा टाइप नंबर है। अब दो चीज़ें, दो पैरामीटर दे रहा हूँ मैं इसमें, विथ और हाइट, ये बात याद रखिए, दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर मेरी विथ है, दूसरा पैरामीटर मेरा हाइट है। तो मैंने एक बिट तेरी, जब भी दो पैरामीटर देना तो कॉमा लगाना लाजमी होता है इस पैरेंथेसिस के अंदर, और मैंने बोला था एक मेरे विथ है और एक मेरी हाइट है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख भी देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, विथ हो गई, हाइट हो गई। हाइट क्या हो गया, हाइट जो है हमारा नंबर होगी, जो क्योंकि विथ भी नंबर होगी, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 5 विथ है और 10 हाइट है, तो क्या हो गया, दोनों क्या है, क्योंकि दोनों ही डेटा टाइप क्या है, दोनों ही डेटा टाइप नंबर है हमारे पास। कॉलन करके मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी डेटा टाइप मैं बता चुका हूँ नंबर है, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, ये हमारी मर्जी है यहाँ पे हम लिखे नंबर या ना लिखे। ठीक है, ये डेटा टाइप, ये कॉलन लगा के नंबर, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होता है, नंबर है। और रिटर्न मैं कराऊंगा क्योंकि अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है विथ मल्टीप्लाई बाय, और टाइप स्क्रिप्ट में आप जानते हैं मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और सेमी कॉलन पर मैंने रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब जो हमारी बात होगी वो कंडीशन होगी, वो किस पे डिपेंड करती है। अगर मैं आपसे कहूँ हम थोड़ा से काम को और आसान बनाते हैं, हमने मुश्किल नहीं बनाएंगे, एक लाइन को स्किप मैं करवाऊंगा लेट वाली, यहाँ पे मैं लेट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, यहाँ पे हम थोड़ी सी आसानी के लिए एरिया मैं बता देता हूँ, लॉक के अंदर मैं बोल देता हूँ एरिया, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं कंडीशन दे देता हूँ। अब दो वैल्यू देनी होगी, एक मुझे पहली जो वैल्यू मैं असाइन करूँगा वो विथ की होगी, और दूसरी वैल्यू जो होगी मेरी हाइट की होगी। तो मैंने बोला था एरिया हम विथ ले लेते हम 5 और हाइट ले लेते, इसमें भी वही बात होगी, जैसे इसमें एक पैरामीटर खत्म हुआ तो आर्ग्यूमेंट में भी एक जब ख़त्म हो गए वैल्यू तो कॉमा लगाना लाजमी है, कॉमा 10। ठीक है, तो अब इसको हम अपने पास रन करवा के भी देख लेते हैं। तो ये अब हमने कर लिया है आई थिंक TSC app.ts node app.js
देख सकते हैं इसने मुझे मल्टीप्लाई करा के दे दिया है 5 × 10^50, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फंक्शन की बॉडी इस तरीके से, यानी फंक्शन का जो है टॉपिक इस तरीके से वर्क करता है कि सबसे पहले हमने फंक्शन लिया, फंक्शन के बाद जो भी नेम मुझे रखना था वो मैंने अपनी पसंद का रखवा दिया। फिर उसके बाद मुझे दो पैरामीटर्स देने थे, ठीक है। ये जो टॉपिक जो हम पर डे, इसमें हम पैरामीटर इंक्लूड है। प्रीवियस हमने जो देखा था फंक्शन में, उसमें हमने देखा था दोनों चीज़ें देखी थी, विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर। इसमें हम विद पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर मुझे दो गिवेन है, विद और हाइट। पैरामीटर बोले तो वैल्यू, ठीक है, यानी कि हम वैल्यू दे रहे हैं, तो मैंने विद और वैल्यू, और रिटर्न करना लाजमी है। रिटर्न हम किसको कराएंगे, रिटर्न कराएंगे विद। रिटर्न में हमने बता दिया कि भाई विड्थ को मल्टीप्लाई करा दो हाइट से, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉक्स आपको पता है प्रिंट लेने के लिए एरिया, और यहीं के अंदर यहाँ पर ही मैंने इसकी वैल्यू दे दी है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रैक्टिस आपको कौन से सवालों की करनी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको ये वेबसाइट dvcodevsuite.com, इस पे जैसे ही आएंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए, और मज़ीद भी ऐड करता जाऊंगा इस वेबसाइट पे codevsuite.com पे। तो यहाँ पे कुछ MCQs भी है जिन्होंने अभी तक नहीं करे, ये MCQs आप लोगों के लिए भी ऐड किए हुए विद आंसर, और क्विज भी है आपका टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, क्विज भी आप इस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्लिक करके। अभी जो हम अपने मेन फोकस सवाल पे आते हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज 65 क्वेश्चन। 100 डेज ऑफ चैलेंज में जो 65 क्वेश्चन है ना, वो हमारे इस टॉपिक से रिलेट करता है, तो मैंने सोचा आपको ये सवाल करवा दूं, क्योंकि अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो ये अब हमारे से सवाल भी हो जाएगा बहुत आसानी से। कैसे होगा देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमारे पास डिटरमाइन द रिमाइंडर, ठीक है, डिटरमाइन करना है यानी मालूम करना है रिमाइंडर। मेक अ फंक्शन दैट गेट्स टू नंबर्स, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, हम फंक्शन का टॉपिक ही पढ़ ले, सही है। फंक्शन गेट टू नंबर्स एंड शो दैट द लेफ्ट ओवर फ्रॉम डिवाइडिंग देम यूजिंग परसेंटेज साइन, एग्जाम्पल रिमाइंडर 5,2 शुड गिव 1। अगर 5 में से, तो मैं आम सा बता दूँ यार, जैसे हमारे पास 5 है, और 5 में से कह रहे 2 को डिवाइड करवा दो, 5 को डिवाइड करवा दो 2 से, ठीक है। तो हमें पता है 5 2 से डिवाइड पूरा नहीं होगा, इसने कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 आएगा, 5 आता नहीं, 5 से छोटा 4 आएगा, और फिर हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा ये जो। तो अब ये टाइप स्क्रिप्ट कोडिंग से मदद से बोल रहे, फंक्शन की मदद से सॉल्व करके दिखाना है, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। तो आज तो हम अपनी कोडिंग की तरफ इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं हमारे पास। तो मैंने क्या किया है अपने पास जो है, अगर आपको बता तो चलूँ मैं, मैंने ये किया है कि अच्छा, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, एक्सरसाइज 65 दे दिया। ऐसे करता हूँ मैं, इसको कमेंट से हटाता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे टाइम की बचत हो जाए। कंट्रोल सी, ये जो मैंने पूरा काम किया था ना, इसी को जो है हम वो कर लेते हैं। सवाल आपके जहन में ही है कि फंक्शन बनाना है, और मॉडल ऑपरेटर याद होगा आपको, मॉड्यूलस ऑपरेटर जब हमने पढ़ा था उसमें एक मॉड्यूलस ऑपरेटर था। अगर नहीं याद तो मैं बता दूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था जिसमें हमें जब भी रिमाइंडर बज रहा होता है तो हम परसेंटेज की साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से जो काम किया था पूरा ऊपर वाला काम कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्यों किया यार, टाइम की बचत हो जाए, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास सारी चीज़ें बार बार टाइप करूँ। अब ये मैंने बोला था मेरी पसंद का नेम होगा, तो इस दफ़ा जो है ना यार, उन्होंने क्या बोला था सवाल से मैं देख लेता हूँ, मज़ेदार सा लफ्स क्या रहेगा। रिमाइंडर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिटरमाइंड द रिमाइंडर। तो मैं जो है, नाम जो है मेरी पसंद का होता है, तो मैं अब एरिया मुझे मज़ेदार नहीं लग रहा, तो एरिया को मैंने मैंने मिटा के रिमाइंडर लिख लिया, रिमाइंडर। और अब जो है कंडीशन के मुताबिक विथ और हाइट नहीं है, दो नंबर है, तो मैं चाहूँ तो नंबर 1 नंबर 2 लिख सकता हूँ, या num1 और हाइट को कर दूंगा num2, यानी मेरे पास दो नंबर है अब, ठीक है। मैंने एक को num1 कह दिया और एक दूसरे को num2 कह दिया। भाई आप क्यों आ रहे हो ऊपर, थोड़ा सा मैं पोर्शन ऊपर का हाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने फंक्शन को रिमाइंडर बोला, नंबर 1 बोला, नंबर 1 में नंबर 1 और नंबर 2, और रिटर्न करवाऊंगा मैं। इस दफ़ा मेरे पास जो कंडीशन चेंज हो गई है, नंबर 1 में से हम क्या कराएंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि आसानी रहे। अब रिटर्न क्या फंक्शन कराना होगा आपके जहन में आ रहा होगा, रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे हमारी हमारे जो है दो नंबर दिए हुए, नंबर 1 और नंबर 2 को परसेंटेज लगाना है, यानी कि num1 पिछली दफ़ा हमने स्टैटिक लगाया था यानी मल्टीप्लाई करवाना था क्योंकि फॉर्मूला था। इस दफ़ा जब भी रिमाइंडर बचे, मैंने बताया रिमाइंडर के लिए मॉडुलस है, मॉडुलस के लिए साइन यूज़ होती है परसेंटेज की। ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑपरेटर में आप पढ़ चुके होंगे। तो मैंने num1 परसेंटेज num2, ठीक है। अब वही पुरानी बात, कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे आप,
एरिया तो हमारा पिछले सवाल का लिखा हुआ था, तो एरिया की जगह क्या आना चाहिए? वीडियो को पॉज करके देखते हैं कौन लोग सही जवाब देते हैं कमेंट्स में। नम वन आना चाहिए, नम टू, या फिर रिमाइंडर, क्या आना चाहिए? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में वही आएगा जहाँ पे जो हमारा, उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा पॉज करके, जो हमारा मेन ऑपरेशन डिपेंड करता है जिसके ऊपर। तो मेरा मेन ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है रिमाइंडर के ऊपर। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो है फंक्शन के अंदर, जो आप या इस कैसी कंडीशन में जो आपने इधर नेम सेव करवाया होगा वही कंसोल डॉट लॉग में आपको उसको कॉल कराने के लिए बोलना पड़ेगा। तो मुझे, मैं रिमाइंडर कर देता हूँ और फिर इसको मैं जो है उठा के पकड़ लेता हूँ, और अब देखते हैं क्या मुझे रिमाइंडर वन दे रहा है टर्मिनल में या फिर एरर डिक्लेयर कराता है, देखते हैं। तो इसने मुझे दे दी है, अच्छा मैंने वैल्यू चेंज नहीं की, सॉरी, वैल्यू मुझे जो है 5.2 दी थी। अगर मैं आपको सवाल दोबारा से दिखाऊँ, हमने वैल्यू पुरानी यूज़ कर रही है, इन्होंने रिमाइंडर 5.2 शुड गिव वन, वन देना चाहिए 5.2 का। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने होगी एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, प्रैक्टिस ही आपको ना सिर्फ टेस्ट और बाकी आपकी स्किल भी इम्प्रूव करने में मदद देगी। तो 5.2 का रिमाइंडर आपके पास आ गया है वन। आप मज़ीद कुछ और सवाल की प्रैक्टिस करते ताकि जितनी ज़्यादा, मैंने बोला मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये नहीं सिर्फ जो सवाल करवा दिया वही सवाल पर आप स्टे रहें। अगर आपको उस टाइप स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही, उसका रीज़न ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो ये तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फंक्शन के पैरामीटर का, और उसको इसका एक और भी सवाल है अगर हम देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। codepeedspeed.com पे ही 66 वाला जो सवाल है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। आप इसमें देखिए लॉजिकल एंड 66 है ये एक्सरसाइज, 100 डेज ऑफ चैलेंज में ये दिया था सवाल, हो सकता है टेस्ट में भी इस तरीके से सवाल आ जाए। लॉजिकल एंड वेरिफिकेशन बोल ले, क्रिएट अ फंक्शन, जैसे इन्होंने क्रिएट अ फंक्शन बोला तो हमारे पास जहन में आना चाहिए फंक्शन की बात की जा रही है। चेक टू बूलियंस, इस दफ़ा डेटा टाइप इन्होंने नंबर नहीं दी, पिछली दफ़ा नंबर थी, इस दफ़ा डेटा टाइप बूलियन है, तो बूलियन के जहन में ही आते हैं और ट्रू और फॉल्स आ गया और ब्रैकेट में भी हमें दिख गया ट्रू और फॉल्स, अच्छी बात है। बोल ले कि क्या क्या कहना चाहिए कि बोथ आर ट्रू यूजिंग द एंड ऑपरेटर, फॉर स्टेट चेक बोथ ट्रू फॉल्स शुड बी फॉल्स, ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए? अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारे पास एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, हमारे पास एंड ऑपरेटर, इन्होंने शर्त रखी है एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हर सूरत से करना है। तो हम आ जाते हैं हमने टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर। तो हमारे पास एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 100 डेज से ही है ये, यानी कि एग्जाम में आने के इसके चांस है। एक्सरसाइज, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मिटा लेंगे। एक्सरसाइज 66 है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, इस दफ़ा बुलियन बोल रहे ट्रू और फॉल्स आना चाहिए, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स आना चाहिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं ट्रू या फॉल्स कैसे आएगा। तो दोबारा से वही काम हमें करना होगा, तो हम कर लेते दोबारा से वही काम, रिटर्न वाला काम। तो मैं क्या करता हूँ यार, टाइम बचाने के लिए दोबारा से वही हरकत करने वाला हूँ मैं, इसको पहले मैं कमेंट आउट करूँगा और फिर इसी को मैं कॉपी करूँगा और इसी के अंदर चेंज करवा देंगे हम, ताकि हमें जो है परेशानी ना हो और टाइम हमारा सेफ हो जाए, ठीक। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, वो हमने नंबर के लिए काम किया था, इस दफ़ा बुलियन के लिए काम करने का बोले। अब बुलियन के लिए काम करने का बोले तो कोई इशू नहीं है, बुलियन के लिए भी हम काम करके दिखा देते हैं इनको कि बुलियन के लिए कैसे वर्क किया जाता है। तो सिंपल, हमारे पास पहले की तरह हम क्या करेंगे, अब पहले हमें नाम चेंज करना होता है, रिमाइंडर तो पिछली कंडीशन का था यार, इस दफ़ा हम चेक बोल देता हूँ मैं। चेक क्यों बोलना है यार, चेक बोलने का मेरा मकसद, इन्होंने बोला है वेदर चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उससे मैंने चेक ले लिया, आप अपनी पसंद का ले लीजिएगा। तो इस दफ़ा मेरे पास दो, एक 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 जो है नम वन की जगह, यार अब नंबर नहीं है कि अब जो है ना बूलियन की कंडीशन है, वैल्यू टू ले ले या नम वन भी ले लेंगे ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा नम वन, इस वजह से मैंने वेल वन या चेक वन चेक टू कर सकता हूँ मैं इसको, वेल टू। अब डेटा टाइप भी मेरी चेंज हो गई है, डेटा टाइप नंबर नहीं है, डेटा टाइप कौन सी है कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। डेटा टाइप इन्होंने बोला है बूलियन, अभी जो सवाल था हमने दिखाया था मैंने पीछे, वो था बूलियन का, ठीक है। यहाँ पे भी बूलियन चेंज होगी, तो यहाँ पे भी आपको पता है बूलियन चेंज होने वाली है। तो ये सारी जगह से मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दी अपनी, मेरी डेटा टाइप बुलियन है, और रिटर्न में क्या आएगा ये सोचने वाली बात है यार। रिटर्न में क्या आना चाहिए यार, रिटर्न में, यार रिटर्न में के लिए ना एक बार सवाल दोबारा से पढ़ लेते ताकि आपको भी जहन में आ जाए। लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड वेरिफिकेशन देख रहे हैं हम,
या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, कंडीशन दे देनी है। तो यार एक कंडीशन में हम लोग बना देते हैं, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। पहले तो मैं ये चेंज करा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर पहले नम वन और नम टू था, तो अब मेरा पास वेल वन और वेल टू है, तो इसको मैंने चेंज करा दिया। वैल्यू चेंज कराने का मकसद ये भी है ताकि जो है ना मैं नम वन नम टू भी लेके काम करा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, गलत नहीं है, वो भी आंसर देगा। लेकिन आपको चीज़ें जहन में आवे, मेमोराइज होए, जितना ज़्यादा चेंजेस करते हैं ना उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। अब जो है हम एंड लगा देंगे, ठीक है, इन्होंने एंड ऑपरेटर बोला था। और अब जो है हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी हमने जब ऊपर चेंज किया है रिमाइंडर को, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ये तो आपको याद होगा। चेक यूज़ करेंगे, और अब वैल्यू नहीं यूज़ कर रहे यार भाई हम। अब जो है ना इस बार क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम एक ट्रू और फॉल्स दे देते हैं। पहले को मैं बोल देता हूँ ट्रू और दूसरे को मैं बोल देता हूँ फॉल्स। अब बताओ ये सही है या नहीं, गलत। मतलब ये कंडीशन क्या बनाई है, मैंने बोला है वैल्यू वन जो है वो बुलियन है, वैल वन बुलियन है, अगर बुलियन उसको मिलेगा ना तो वो ट्रू आंसर देगा। और मैंने बोला है वेल टू भी जो है ना वो क्या है, बुलियन है, फूल्स तो फॉल्स। तो क्या ये वेल वन और वेल टू को दोनों को मैंने बुलियन डेटा टाइप मेंशन की है या नहीं, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास लॉजिक नहीं है, बस मैं वेल वन और वेल टू को क्या मैंने बुलियन मेंशन किया है या नहीं, तो इसको बताना है इसको। तो आप कमेंट में बताया क्या मैंने डेटा टाइप मेंशन में वेल नंबर लिया है, बुलियन लिया है। हाँ भाई मैंने वेल, तो इसको तो ट्रू बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इसने फॉल्स जवाब दे रहा है, ठीक है, ये फॉल्स डिक्लेयर करा रहा है कि वेल वन और वर्ल्ड वेल टू जो है हमारे, ठीक है। तो समझ में आया क्या लॉजिक है, इसने फॉल्स क्यों डिक्लेयर कराया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन को बोला कि ट्रू है और एक दूसरी कंडीशन को मैंने बोला फॉल्स है। मैंने बोला वेल वन तो बुलियन है, सही है, मैंने बोला वेल टू बुलियन नहीं है, मैंने वेल टू की वैल्यू फॉल्स दे थी। तो एंड ऑपरेटर याद होगा, एंड ऑपरेटर कहता है भाई एक दो कंडीशन रख या 10 कंडीशन रख, आंसर सबों का ट्रू होगा तो मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रू नहीं दूंगा। अब देखिए पुराना भी रिवीजन हो रहा है हमारा, एंड ऑपरेटर ऑपरेटर जब हमने पढ़े थे तो इसमें ना सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हैं बल्कि ऑपरेटर का भी रिवीजन हो रहा है। ये होती है प्रैक्टिस, इससे कहता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस से आपके स्किल इम्प्रूव होगी और जो है चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, वेल वन को मैंने बोला कि वेल वन ट्रू है, बुलियन है, तो इसने बोला ट्रू, हाँ ट्रू है, सही बात है कि बुलियन है। लेकिन मैंने बोला वेल टू जो है ना वो बुलियन नहीं है, मैंने बोल दिया फॉल्स है, वो उसने तो सर पकड़ लिया भाई, वो बोलेगा ये तो आपने तो बुलियन मेंशन किया और आप बोल रहे हो ये बुलियन नहीं है, नहीं आपने बुलियन लिखा हुआ है, तो मैं आंसर आपको फॉल्स दूंगा। अदरवाइज अगर मैं इधर ट्रू दोनों जगह पे ट्रू लिखूंगा ना, चेक कर ले, तो फिर ये मुझे जो है वैल्यू शो करेगा ट्रू, क्योंकि अब मेरी एंड ऑपरेटर के मुताबिक दोनों कंडीशन ट्रू है कि वेल वन भी बुलियन है और वेल टू भी बुलियन है, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अच्छा आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस को मजीद इम्प्रूव किया जा सके, यही सवाल आपको लेना है। उसमें क्या करना है कि आपको जो है प्रैक्टिस के लिए मतलब बुलियन ही लेना है, अब नंबर लेना है, ये मैंने जो है ना उससे लिया था, ट्रू या फॉल्स से लिया था। आपको ऐसी कंडीशन बनानी है, उसमें आप बोल सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ लेस देन ए, और फिर डेटा टाइप में तो बुलियन ही लेंगे, और यहाँ पे ट्रू और ट्रू नहीं लिखना है, यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है 5 4 3 जो भी एक्स वाई जेड है वैल्यू, मतलब रिटर्न में आपको जो है ना वैल्यू चेंज करानी है, ए इज़ लेस देन बी और बी इज़ लेस देन ए, कुछ भी कर सकते हैं अपनी पसंद की जो भी है, इसके अलावा और भी आ रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे वो दो वैल्यू रख दिए, और फिर बताइएगा आपके पास क्या आंसर आ रहा है, क्या कंडीशन बनाई है, उसके जो है कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक और सरप्राइज़ जो कि मैंने छुपा के रखा हुआ था, अभी तक किसी को बताया नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप के भी मेन ग्रुप पे अपडेट नहीं दी इसकी, तो वो ये है कि codepdispute.com पे आप लोग जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने शायद अभी तक क्लिक नहीं की होगी, इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है जब आप गवर्नेंस इन आईटी कोर्स पे जा रहे हैं तो लिखा हुआ है ओल्ड ऑल कोड हेयर, ठीक है, ऑल कोड हेयर, जब इस पर माउस लाया उसको मैंने गायब ही किया, तो गायब हो रहा है तो उस पर क्लिक ही कर दे, क्लिक करा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो एक नया इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे कोड नज़र आ जाएंगे सारे, आपको प्रोजेक्ट के कोड मिल जाएंगे, आपको एक्सरसाइज 45% के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐड होती जाएगी, तो आप ये एसेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने छुपा के रखी हुई थी, सबको शो नहीं कराई, तो ये कहाँ से मिलेगी, codepdispute.com पे ऑल कोड है,
एक्सरसाइज 45 प्रोजेक्ट एक्सरसाइज 100 डेज ऑफ चैलेंज पे क्लिक करते ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।